केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा इंदिरा गांधी शासकीय मेडिकल कॉलेज में भूमि पूजन एवं लोकार्पण समारोह, अच्छी स्वास्थ्य देखभाल और अत्याधुनिक सुविधाओं के आधार पर इंदिरा गांधी सरकारी मेडिकल कॉलेज के न केवल नागपुर में बल्कि देश में अग्रणी अस्पताल बनने की उम्मीद है। मैं अस्पताल में आयोजित भूमि पूजन एवं लोकार्पण समारोह में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बोल रहे थे। मरीजों की देखभाल के लिए 500 बिस्तरों वाला अस्पताल का भूमि पूजन समारोह और मेयो अस्पताल में शव चिकित्सा गृह, प्रतीक्षा कक्ष, रोगी विभाग के विस्तारित पंजीकरण कक्ष का लोकार्पण गडकरी द्वारा किया गया। इस अवसर पर विधायक विकास कुंभारे, पूर्व महापौर दयाशंकर तिवारी, भाजपा नेता जयप्रकाश गुप्ता, कलेक्टर डॉक्टर विपिन इटनकर, संचालक चिकित्सा शिक्षा विभाग दिलीप महेश्कर, मेयो अधिष्ठाता डॉक्टर रवि चौहान की प्रमुख उपस्थिति में गडकरी ने कहा, मेयो नागपुर के इतिहास का सबसे पुराना अस्पताल है। पूर्व उत्तर मध्य नागपुर से गरीब मरीज बड़ी संख्या में यहाँ आते हैं। भविष्य में यहाँ 500 बिस्तर वाला अस्पताल बनाया जाएगा जो बड़ी संख्या में गरीबों की सेवा करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई आयुष्मान भारत योजना से भी मरीजों को फायदा हो रहा है। नए भवन में बेहतर सुविधाएं, पार्किंग व्यवस्था, 24 घंटे पानी की आपूर्ति, छात्रों के लिए आरामदायक छात्रावास, डॉक्टरों के आवास आदि पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। नागपुर के तापमान को देखते हुए उन्होंने प्रशासन को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि पूरा अस्पताल वातानुकूलित रहे। नए प्लान में अस्पताल को नजदीकी मेट्रो स्टेशन से जोड़ा जाए जिससे मरीजों को निजी वाहनों के आने जाने की जरूरत ना पड़े, गडकरी ने कहा। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि यातायात की सुरक्षा के लिए अस्पताल के बगल की सड़क को 4 लेन किया जाए। सिकल सेल और थैलेसीमिया नागपुर सहित पूरे विदर्भ, पूर्वी विदर्भ के लिए चिंता का विषय है। मेडिकल मेयो और एम्स तीनों संस्थानों को सिकल सेल और थैलेसीमिया के उन्नत इलाज के बारे में सोचना चाहिए। अंग प्रत्यारोपण से लेकर सिकल सेल तक सभी प्रकार की बीमारियां उनके इलाज की सुविधा होनी चाहिए, ऐसा कई सुझाव नितिन गडकरी द्वारा दिया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि अस्पताल क्षेत्र में मरीजों की संख्या की जानकारी लेकर इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। आणि त्यामुळे अनेक वर्ष मशिनरी बंद राहतात, त्यामुळे येणाऱ्या काळात उत्तम मशिनरी, उत्तम बिल्डिंग, उत्तम व्यवस्था आणि इथे जे विशेषतः नर्सिंग करता व्यवस्था होत्या, त्यानंतर मुलांकरता चांगलं हॉस्टेल होतं आणि जागा मिळेल तर डॉक्टरांकरता पण चांगली बिल्डिंग आता भरपूर FSI मिळतो आहे। म्हणून या जागेचा उपयोग करून जर आवश्यकता असेल तर काही डॉक्टरांची पण इथे राहायला त्यांना उत्तम आणि चांगलं घर मिळालं पाहिजे, तर ही व्यवस्था केली तर नक्कीच फायदा होईल। या व्यतिरिक्त जर कुठे गव्हर्नमेंट क्वार्टर पाहिजे असतील तर नक्कीच महाराष्ट्र सरकार कलेक्टर साहेब जागा देतील, तिथेही आपल्याला कॉलनी बांधता येईल। पण हे हॉस्पिटल नागपुरातलं नव्हे, महाराष्ट्रातलं नव्हे, तर देशातलं एक चांगलं हॉस्पिटल व्हावं। सर, आमच्याकडे म्हैसेकर साहेब सगळ्यात मोठी समस्या बोन मारो हे सिकल सेल आणि थॅलेसेमिया, हे डॉक्टर मिलिंद माने आहेत, MBBS डॉक्टर इथेच पास झाले। डॉक्टर श्रीखंड मला वाटतं रिटायर झाला, त्यांनी खूप चांगलं काम केलं। मग डॉक्टर जैन पण आहेत, त्या बिचारे अजूनही काम करतात, डॉक्टर श्रीखंड अजूनही काम करतात। आणि आमच्या पूर्व विदर्भामध्ये भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, गडचिरोली आणि नागपूर या 5 जिल्ह्यामध्ये जेवढे शेड्यूल कास्ट आहे आणि शेड्यूल ट्राईब आहे त्या पूर्ण कम्युनिटीमध्ये 70-80% हे सिकल सेल आणि थॅलेसेमियाचं प्रॉब्लेम आहे। कॅमेरा पर्सन राजकुमार मोहोड के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।